कहीं नहीं बंद हुआ, मायावती थी, कौन सा बंद हो गया था भाई? FIR दर्ज नहीं हुई, छुआछूत वगैरह तमाम सारा हुआ, मायावती जी के खिलाफ में खुद ही हुआ था भेदभाव। और क्या महेंद्र टिकैत बोला था, क्या क्या बातें आप करते? मीडिया का रोल तो जहाँ तक विपक्ष की बात है, दलित की बात है, आदिवासी की बात है, निगेटिव भी है, उसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। और दलित विरोधी तो है ही है, लेकिन जो घटना हुई है वास्तव में बहुत जघन्य घटना है। और जिन इनका स्रोत धर्म में है, समाज में है, जाति में है, धर्म में है, वेद में है, पुराण में है, रामायण में, उसी में हमारे लोग चिपके हुए थे, इनके साथ में क्या होगा? चाहे आप गजेंद्र जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो भी घर घर पर पुलिस तैनात नहीं कर सकते, और पुलिस भी तैनात करेंगे तो सवर्ण पुलिस रहेगा तो अन्याय करवाएगा। तो इनका समाधान यही है कि एक तो हिंदू धर्म छोड़ें, जो बाबा साहब ने कहा था, दूसरा आपस में जो जातिवाद है वहाँ पर क्या हुआ, मेघवाल एक तरफ हो गए, बाकी छत्तीस जातियाँ एक तरफ हो गए, उसमें उन छत्तीस जातियों में दलित भी इकट्ठा है, वो विरोध में उतर गए, छत्तीस कौम में जो पंचायत हुई हाँ उसमें दलित भी हैं। तो जब मेघवाल बात किया होगा तो बैरवाबाद हो गया होगा और मीनाबाद हो जाता है, फिर खटिक अलग हो जाते हैं। जब जातियों का संगठन, एक कंसालिडेशन जातियों का उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में सबसे कहा गया कि अपने 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 जाति को जोड़ो, टिकट ले जाओ। अब टिकट नहीं मिला तो अपनी अपनी जाति को जो जोड़ने को प्रोत्साहित किया गया था वो भाजपा से जा मिले। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कोई घटना होती है, बलात्कार हो, घर जलाया जाता, तो सारे दलित निकल पड़ते हैं। जब लाखों की नौकरियाँ की कुर्बानी हो जाती, संविधान की कुर्बानी हो जाएगी, निजीकरण हो रहा, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो साहिबाबाद में है लगभग 2000 करोड़ की है, 210 करोड़ में बेच दिया, जिसमें से 600-780 ST हैं, उस पर क्यों नहीं दलित इकट्ठा होते हैं? इमोशनल मुद्दे पर इकट्ठा होते हैं, ये तो झगड़े और ये भेदभाव, जाति उत्पीड़न अभी 100-200 वर्ष तक चलता रहेगा, इसकी स्रोत जो है समाज के अंदर। लेकिन एक बार जब नौकरी ख़त्म हो जाएगी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साहिबाबाद का, जिंक हिंदुस्तान जिंक, BSNL या अशोका होटल या एयरपोर्ट बिक जाएंगे तो सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो दलित समाज की क्या मति नहीं मरी हुई है? इन मुद्दों के ऊपर क्यों नहीं इकट्ठा होता? अब हमने 18-19 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, 31 जून को NDMC हाल जंतर मंतर नई दिल्ली पर विशाल सम्मेलन किए हैं, वहाँ तो लोगों को बुलाना पड़ता है और मिन्नत करना पड़ता है कि आओ भाई संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, तो वहाँ नहीं आते। तो इसी घटनाओं में लोग या तो नेता बनने के लिए, जहाँ मीडिया का वो मिल जाता है, बाइट मिल जाता है, रिकॉग्निशन मिल जाता है, बोलने का मौका मिल जाता है, लेकिन जो वास्तविक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर समाज क्यों नहीं एक हो रहा? वास्तविक मुद्दा है कि जैसे सुश्री मायावती जी की बात कहूँ, बाबा साहब बौद्ध धर्म हमें देखे गए, ये 40 साल से राजनीति में हैं, तो इनको शुरुआत वहीं से करना चाहिए जो बाबा साहब ने खोज करके हमें दे दिया, आरक्षण भी दिया, बौद्ध धर्म भी दे दिया, तो आरक्षण का लाभ तो तुरंत ले लेंगे, बौद्ध धर्म का अभी तक क्यों नहीं लिया इन्होंने? तो जब तक हमारे लोग पाखंड से मुक्त नहीं होंगे, और क्या सर धर्म परिवर्तन करने से मतलब जो अपराध है वो रुक जाएंगे अत्याचार? नहीं देखिए, ऐसा है कि तुरंत तो नहीं रुकेगा, मैंने कहा, लेकिन उस पाखंड से दूर तो होंगे, सशक्तिकरण होगा, अपने बुद्धि से इस्तेमाल तो होने लगेगा, लड़ाकू तो हो जाएंगे। अभी क्या है, भाग्यवादी है कि चलो अत्याचार हुआ है, हमारे किस्मत में था, चलो अत्याचार हुआ वो तो हमारे ऊंची जाति के लोग हैं, ये मानसिकता है। अब महाराष्ट्र में देखिए, संख्या बहुत कम है बुद्धिस्टों का, लेकिन हिम्मत नहीं होती, वो लड़ जाते हैं और सबसे ज़्यादा लड़ाकू हो गए हैं। तो बात है कि विचार बदलेगा, दिमाग बदलेगा,
पढ़ेंगे लिखेंगे तभी जाकर के इन स्रोतों को काटा जा सकता जो अन्याय के स्रोत। सर, सिविल सोसाइटी कहता है कि अब तो भेदभाव खत्म हो गया, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, लेकिन ये घटनाएं तो ऐसी वो तो करते रहेंगे, लेकिन आप ये बताइए अब दौर आ गया है गजेंद्र जी को या सारे यूट्यूब को या बुद्धिजीवियों को अंदर झांकने का। हम जातिवाद आपस में करें तो ठीक, और सवर्ण जातिवाद करें जिसका परिणाम इंद्र कुमार जितेंद्र मेघवाल है तो बुरा, ये कैसे हो सकता है? ये दोहरा चरित्र हम लोगों में ख़त्म होना चाहिए, और ये जातिवाद का ही तो प्रतिफल है। अगर किसी राजपूत ने अन्याय किया, ब्राह्मण कोई अन्याय करता है, तो ये जातिवाद ही तो है। और जब हम जातिवाद करें, हम जातिवाद करें तो ठीक है, जुबान से बाबा साहब दलित दलित, और आपस में क्या करते हैं? लेकिन हमारा जातिवाद मतलब किसी की हत्या तो नहीं करता ना सर? हमारा तो जातिवाद ज़्यादा हत्या करता, अगर जिस दिन हम एक हो जाएंगे हत्या रुक जाएगी। हम कहाँ एक हो रहे हैं, हत्या रुक जाएगी। पहले ज़्यादा एकत्रित थे, बहुजन आंदोलन के पहले ज़्यादा एकत्रित थे, अब सब जातियों में बटे हुए हैं। एकता से ही तो रुका जाएगा, शक्ति निर्माण करना पड़ेगा हमें। शक्तिशाली कह रहा सबको एक हो जाना चाहिए, फिर एक क्यों नहीं हो पा रहा? तो जातिवाद बीच में है, पहले था जातिवाद, जातियों के संगठन कैसे? मेघवाल पंचायत नहीं है, चमार पंचायत नहीं है, खटिक पंचायत नहीं है, या बैरवा पंचायत नहीं है, सब जातियों के नाम से उसी में निमंत्रण लेके मेरे पास आते हैं। मैं तो नहीं जाता हूँ किसी जाति पंचायत। तो सोल्यूशन क्या है सर इसका? सोल्यूशन है कि बाबा साहब जो कहा, और ये जात पात धोए, हिंदू धर्म छोड़े, एक हों, और जैसे सवर्ण एक हो जाता है वैसे एक होना चाहिए, और आपस के अंदर जो भेदभाव है, घृणा है, ईगो है, अहंकार है, एक तो तरीका यह है। दूसरी तरीका यह है कि जो संविधान में है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान, स्कॉलरशिप का प्रोविजन, नौकरियों का प्रोविजन, और सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरियां, इनको बचाने के लिए आगे आए। नहीं बचाएंगे तो अत्याचार अब आगे और होगा। कहीं ना बचाने के लिए तो नहीं आ रहे ना सर लोग, कहाँ तो और होगा आगे। आगे आने वाले दिन बहुत खराब है दलितों के लिए, तो आगे आने वाले दिन बहुत खराब। सारी पूंजी जो है, पहले काशीराम जी कहते हैं जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, अब तो अंबानी संख्या एक एक अडानी ही पूरे चुनाव को प्रभावित कर दे, संख्या को खरीद ले रहे। तो आप बदली परिस्थितियों में उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। लेकिन सर मटका छूने पर हत्या करना ये कहां तक जाएगा सर? कौन कह रहा जायज है? इससे ज्यादा अपराधी क्या हो सकता है? इससे ज्यादा कोई अपराध हो सकता है? लेकिन सवाल इस बात का क्या, ये बंद हो जाएगा चाहे आप मुख्यमंत्री बन जाएं? लेकिन लोग कह रहे हैं अपनी सरकार हो तो बंद हो जाएगा। कहीं नहीं बंद हुआ, मायावती थी, कौन सा बंद हो गया था भाई? FIR दर्ज नहीं हुई, छुआछूत वगैरह तमाम सारा हुआ, मायावती जी के खिलाफ में खुद ही हुआ था भेदभाव, और क्या महेंद्र टिकैत बोला था, क्या क्या बातें आप करते हैं? जिसकी जड़ें सरो समाज में हैं, जिसके सो समाज में, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं कम है, राजनीति में भी कम है, इसका स्रोत जाति में है, धर्म में है, मंदिर में है। क्या मायावती जी थे क्या, ये जो मंदिर प्रवेश का जो वर्जित कानपुर वगैरह कई जगहों पे है, क्या बंद हो गया था? क्या ये पंडे जो है उनका जो डोमिनेशन है कुंभ वगैरह में, क्या खत्म हो गया था? क्या खत्म हुआ था बताइए? लेकिन सर अगर सब एक हो जाए पूरा समाज तो क्या उनकी मानसिकता बदल जाएगी सर? नहीं, मानसिकता बनेगी, ताकत के सामने वो नहीं करेंगे। ताकत से डरेंगे? ताकत से ही बचाया जा सकता, और कोई तरीका नहीं। उनकी मानसिकता नहीं, हम चाहते हैं कि सवर्ण जात पात छोड़ दे, भेदभाव छोड़ दे, और हम जात पात करते रहें, ये नहीं चलेगा भाई।